हेलो गाइस, माय नेम इज योगेश एंड वेलकम टू आवर स्टूडेंट लाइफ लर्निंग चैनल। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर है उस पर बात करना चाहूंगा और वीडियो के एंड में बात करना चाहूंगा कि सीबीएसई आपका सेंटर देगा या आपका होम सेंटर होगा। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो कंप्लीट वॉच करें। दोस्तों, यहां पर कोरोना वायरस को देखते हुए कोरोना वायरस से बचने के लिए क्लास 10th और 12th जो आपके बोर्ड एग्जाम 2021 होने वाले हैं इसको लेकर यहां पर बोर्ड ने कहा गया कि आपके एक क्लास में 12 स्टूडेंट बैठेंगे, यानी 12 बेंचेस 12 डेस्क होंगे। तो एक क्लास में 12 स्टूडेंट बैठेंगे और यहां पर कोरोना वायरस से बचने के लिए बोर्ड ने स्कूलों से दोस्तों यहां पर राय मांगी गई है, यहां पर मीटिंग अट गई है, यहां पर स्कूलों के साइज, कमरों की संख्या, कमरे का साइज, आने जाने का रास्ता इत्यादि ये सारी चीज़ें दोस्तों यहां पर बोर्ड ने स्कूलों से मांगी गई है। और यहां पर एक बात कही जा रही है कि यहां पर बोर्ड ने गूगल मैप से जोड़ा जाएगा, जो आपका परीक्षा सेंटर जो होगा, आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, वो दोस्तों गूगल मैप से जोड़ा जाएगा ताकि स्टूडेंट अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर आसानी से पहुँच जाए, ठीक है। और इन्हीं सब चीज़ को दोस्तों ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बरती जाएगी, इसको लेकर यहाँ पर दोस्तों बोर्ड ने सभी स्कूलों को SOP सेंड किया है, SOP भेजा है। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा या होम सेंटर। दोस्तों, जिस तरीके की खबर है, इस चीज़ को लॉजिक को पढ़ते हुए यहाँ पर साफ है बात, जाहिर है, साफ बात है कि दोस्तों यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा, होम सेंटर नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि आपको नियर बाय जो सेंटर हो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के दायरे में जो भी आपका नियर बाय सेंटर हो वहाँ पर आपका सेंटर पड़ जाए। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको गूगल मैप से जोड़ा जाएगा, गूगल मैप से दोस्तों आपका एग्जामिनेशन सेंटर को जोड़ा जाएगा ताकि आप सर्च करके अपने एग्जामिनेशन सेंटर में आसानी से पहुँच जाओ, ठीक है। सो अपने दोस्तों अच्छे से तैयारी करते रहिए, बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी अच्छे से करें दोस्तों, खुद से स्टडी करें, खुद पर डिपेंड रहें, किसी दोस्त पर डिपेंड नहीं रखें, चीटिंग के भरोसे बिल्कुल मत रहना, क्योंकि एक क्लास में 12 स्टूडेंट बैठेंगे। और खुद से मैं क्यों कह रहा हूँ कि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन आता था लेकिन हमें फॉर्मूला भूल जाते हैं तो हम नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, फिर हम अपने दोस्तों से पूछ लेते हैं, हिंट मिल जाता है, फिर हम कंप्लीट कर लेते हैं सारा क्वेश्चन। तो आप हिंट भी नहीं ले सकते हो अपने दोस्तों से, क्योंकि एक क्लास में 12 स्टूडेंट बैठेंगे और एक क्लास में दोस्तों कम से कम 2 टीचर होंगे जो आपकी सेफ्टी के तहत बरतेंगे, तो आप यहाँ से हिंट भी नहीं ले सकते हो। और चीटिंग तो दोस्तों आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका पेपर थोड़ा ईजी होगा, सो ये गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। तो दोस्तों खुद से तैयारी करते रहिए बोर्ड 2021 की और खुद पर डिपेंड रहे हैं, ठीक है, चीटिंग के भरोसा नहीं बैठे। और बोर्ड परीक्षा 2021 को लेकर जो भी अब तक की जो सबसे बड़ी खबर होगी उसको जानने के लिए चैनल बने रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।